खेल के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत विक्रम अवार्ड भगवान सिंह भोपाल से मशाल लेकर रीवा पहुंच रहे। इस मशाल यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को भोपाल से रवाना किया। बुधवार को सतना होते हुए यात्रा रीवा पहुंची। यात्रा का कलेक्टर मनोज पुष्प, SP नवनीत भसीन, जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने खेल से जुड़े संगठन, समाज सेवी एवं खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश के 8 जिलों में विभिन्न खेल इस समय आयोजित किए गए हैं। इस मशाल यात्रा का नेतृत्व कर रहे विक्रम सिंह अवार्डी भगवान सिंह ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ये यात्रा यहां से सीधी के लिए रवाना हो गई है, ऐसा कहा। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ मुख्यमंत्री कप का और पूरे जिले में इसका आयोजन जितनी खूबसूरती से किया उसके लिए मैं खेल विभाग के सभी लोगों को और सभी आयोजकों को, शिक्षा विभाग के लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ। जो बच्चे संभाग से जीत के जा रहे हैं राज्य खेलने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब जिले के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, संभाग के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो कोई भी जीते उसका फर्क नहीं पड़ता। जो आयोजन होगा जो 13 दिन लगातार चलेगा उसकी एक मसाल रहेगी, जो पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को वहां से जमीन निकालकर रवाना किया था, सौ रिश्त से भोपाल से उसको रवाना किया है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में चलते हुए आज हमारे रीवा शहर में पहुंची है। उसके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए माननीय अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक तो अपने जिले के बच्चे आगे बढ़ते हुए देखने में अच्छा लगता है, अपने जिले के बच्चे फिट है, अपने जिले के बच्चे खोले में अच्छा रुचि ले रहे हैं, स्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा इसके साथ साथ कि ये जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं ये कम से कम खुद नशे से दूर रहेंगे और अपने साथियों को भी नशे से दूर रखने की सलाह देंगे। ये नशा करेंगे तो फिट नहीं रह पाएंगे, नशा ही बोल रहे हो ना।